दोस्तों आईपीएल के अब तक 15 सीजन्स के लिए जा चुके हैं और इस तरह हर आईपीएल सीजन कुछ नए और यंग प्लेयर्स को दुनिया भर के महानतम प्लेयर्स के बीच अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलता है। साथ ही इन सभी प्लेयर्स को बेहतरीन बनने और प्रोत्साहित करने के लिए आईपीएल ने सबसे बेहतरीन आगामी स्टार को एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन पुरस्कार प्रदान किया है। ऐसे में अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आगामी आईपीएल 2023 में कौन से वे प्लेयर्स हो सकते हैं जो इस पुरस्कार को हथियाने की रेस में सबसे आगे रहेंगे। सो बिना स्किप करे वीडियो में एंड तक बने रहें और आज इस वीडियो में देखने वाले हैं पांच ऐसे यंग प्लेयर्स को जो आईपीएल 2023 में एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन रह सकते हैं। सो इस लिस्ट के पांचवे प्लेयर की यदि बात करें तो वह रह सकते हैं आयुष बडोनी, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2022 के मेगा ऑक्शन में साइन किया था। दाएं हाथ के बल्लेबाज आयुष ने 13 आईपीएल मैचों में 123.85 के स्ट्राइक रेट से 161 रन बनाए थे, जिनमें से की टूर्नामेंट के चौथे मैच में गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट एक हाफ सेंचुरी भी शामिल है। इसके अलावा आयुष ने अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी से 2 विकेट लेने में भी सक्सेसफुल रहे थे। और जैसा कि आयुष ने 15वें आईपीएल सीजन में अपने टैलेंट को दिखाया था, टीम मैनेजमेंट ने उन्हें आईपीएल के 16 सीजन के लिए भी रिटेन रखा है, जो आईपीएल के 16 सीजन में एमर्जिंग प्लेयर बनने की रेस में भी रह सकते हैं। इसके बाद इस लिस्ट के चौथे प्लेयर को देखें तो वह रह सकते हैं तिलक वर्मा। तिलक वर्मा आईपीएल के 15 सीजन में काफी शानदार खेले थे, जिन्होंने काफी मुश्किल मौकों पर अपने आप को प्रूव भी किया था। तिलक वर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए 14 मैचों में पार्टिसिपेट किया और 131.02 के स्ट्राइक रेट से 397 रन बनाए थे और इस प्रकार वे आईपीएल के 16 सीजन में एमर्जिंग प्लेयर बनने के प्रबल दावेदारों में से एक जरूर रहेंगे। इसके बाद प्लेयर नंबर 3 को देखें, मगर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि क्रिकेट की हर छोटी बड़ी अपडेट और क्रिकेट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको यहां पर मिलते रहते हैं। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी जरूर लाइक कर दें। सो बात अब इस लिस्ट के प्लेयर नंबर 3 की करें तो वह रह सकते हैं रिंकू सिंह, जिन्होंने 2022 के आईपीएल सीजन में केकेआर की ओर से खेलते हुए सनसनी फैला दी थी और अपने अटैकिंग गेम से केकेआर को कुछ मुश्किल मैच भी जितवाए थे। रिंकू सिंह ने केकेआर के लिए 7 मैचों में 148.72 के स्ट्राइक रेट से 174 रन बनाए थे, जो अब आईपीएल 2023 में भी अपने अटैकिंग गेम परफॉर्मेंस से फैंस को भी खूब एंटरटेन करने वाले हैं और साथ ही एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन बनने की हकदार भी हो सकते हैं। इसके बाद अब इस लिस्ट के प्लेयर नंबर 2 की बात करें तो वह रह सकते हैं डिवाल्ड ब्रेविस। दोस्तों आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में बेबी एवी के नाम से ऑक्शन टेबल तक पहुंचे ब्रेविस को मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ देकर टीम में शामिल किया था और जब ब्रेविस को एमआई की ओर से मौका मिला तो ब्रेविस ने अपने आप को प्रूव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ब्रेविस ने 7 मैचों में 142.48 के स्ट्राइक रेट से 161 रन बनाए थे और जिस कदर वह पिछले आईपीएल सीजन विरोधी टीमों के गेंदबाजों पर बरसे थे, इससे साफ है कि वह आगामी आईपीएल सीजन एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन बनने की रेस में जरूर रहेंगे। और फाइनली इस लिस्ट के आखिरी प्लेयर को देखें तो वह रह सकते हैं हैरी ब्रूक, जिन्हें इस बार के मिनी ऑक्शन में एसआरएस ने 13.25 करोड़ की भारी रकम देकर खरीदा है। अब भले ही हैरी ब्रूक ने अब तक कोई आईपीएल मैच नहीं खेला, मगर ब्रूक के टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड को यदि देखा जाए तो हैरी ब्रूक ने 20 टी20 मैचेस में 137.77 के स्ट्राइक रेट से 372 रन बनाए हैं। साथ ही हैरी ब्रूक जिस कदर पिछले कुछ समय से खेले हैं, यह बताता है कि उनके पास अटैकिंग और संभली हुई दोनों तरह की पारियां खेलने का टैलेंट है, जो उन्हें आगामी आईपीएल सीजन में एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन बनने का एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बना देता है।